अशोक का अगर महाभारत है तो महाभारत में बहुत सारी चीजें भी होंगी, मसलन सड़कें होंगी, जो यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई थी वो होंगी, या जो आराम बनवाए थे राम के लिए, यानी कि भिक्कुओं के लिए। भिक्कू जब साधना करता है तो उसको राम बोलते हैं, तो राम जहाँ रहते हैं वहाँ आराम, यानी जैतूनाराम या सासाराम या निगोधाराम, ये सब जगह बनवाई होंगी। या प्याऊ जो पानी की है जानवरों के लिए, क्योंकि पहले बस तो होती नहीं थी, कार तो होती नहीं थी, तो जानवर और आदमी के लिए जगह जगह जो धर्मशालाएं होती थीं उनमें पानी की और खाने की व्यवस्था भी होती होगी। और उन सड़कों को रास्तों को मेंटेन करने के लिए वहाँ फोर्स भी तैनात होगी, सेना भी होगी, सिपाही भी होंगे, या आज के समय के इंजीनियर या लेबर मजदूर भी होंगे। क्योंकि अगर अशोक का महाभारत है तो महाभारत में सारी चीज होनी चाहिए। 20 अप्रैल जो ये 2021 में आ रही है, कोरोना का पीरियड है, सारे लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, मगर सम्राट धम्म चक्रवंतु पियदसी जो अशोक हैं, सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक हैं, उनकी जन्म का दिन आ रहा है 20 अप्रैल। तो हम इस बहाने ये पता करते रहें कि क्या क्या उनके महाभारत में उन्होंने बनवाया और क्या क्या महाभारत में अभी तक भी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पथ, पथ यानी कि जहां पथिक चलता है, जहां पैदल वाले लोग चलते हैं, उस रास्ते को कहते हैं पथ। बाद में कुछ लोग इसको मार्ग भी कहने लगे, मग भी कहने लगे, पथ भूल गए। मगर पथ में और मग में और मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। जो पथ है उसको बोलते हैं जहां व्यक्ति पैदल चलता है, जमीन पर चलता है, और जो मग है या मार्ग है वो वह मार्ग है जो जीवन में दिखाया जाता है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो भगवान बुद्ध का धम्म का मार्ग है। धम्म का पथ नहीं है, धम्म का मार्ग है। और जो सड़क, जिसको उर्दू में सड़क बोलते हैं, इसको पाली के अंदर पथ बोलते हैं। और अगर ये पथ यानी कि जो रास्ता है उत्तरोत्तर ऊपर होता चला जाए, हायर होता चला जाए, ऊपर चढ़ता चला जाए, तो उसको कहते हैं उत्तरा पथ, यानी कि ऊपर चढ़ने वाला, ऊपर जाने वाला वे, ऊपर चढ़ने वाला जो सड़क या ऊपर चढ़ने वाला आज के समय मार्ग बोला जाता है, तो मार्ग बोल सकते हैं। इसी उत्तरा पथ यानी कि ये जो ऊपर चढ़ने वाला जो मार्ग था, यानी पहाड़ों पर चढ़ने वाला, जहां से ये आरंभ हुआ वहां से ये पहाड़ों पे होता 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 पूरे महाभारत का रास्ता नापता था। इसी उत्तरा पथ से जो उत्तर प्रदेश है आज के समय वो नाम पड़ा हुआ है। पहले भगवान बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। उत्तर प्रदेश इस सड़क से बना है, जो सड़क चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्य के लोगों ने बनवाई। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका शिलान्यास किया, इसका काम आरंभ किया, और फिर सम्राट अशोक ने, यानी कि सम्राट अशोक ने इसको बनवाया। ये पहले पत्थरों से, पत्थर तोड़ तोड़ के इसमें बड़े बड़े लगाए जाते थे, छोटे छोटे रास्ते होते थे, क्योंकि मोटर वाहन तो था नहीं, ट्रक थे नहीं, तो माल की आवाजाही के लिए, लोगों की आवाजाही के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, ये दो प्रमुख चीज़ें हुआ करती थी। बाद में घोड़ा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी भी आने लगे, क्योंकि तेज़ सड़कें जब बन गई, जब रास्ते अच्छे बन गए, पथ बन गए, तो घोड़ा गाड़ी भी दौड़ने लगी। ऊंट ऊंट की भी सवारी कुछ जगह कहीं होती रही होगी जहां ऊंट अवेलेबल होगा। तो ये जो उत्तरा पथ है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, इसको आप बोलते हैं GT रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। ये दरअसल जो ट्रंक रोड है, ये शब्द आयरिश है, आयरलैंड का है, क्योंकि अंग्रेज बाद में आए और इसके बीच में यहाँ पे मुगल भी रहे। मुगलों में जो शेरशाह सूरी रहे हैं, शेरशाह सूरी ने इस सड़क का डेवलपमेंट करवाया। बाद में अंग्रेजों ने और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करा के इसको अपने आयरिश नाम के हिसाब से, आयरलैंड के नाम के हिसाब से, क्योंकि वहाँ सड़कों को ट्रंक रोड बोला जाता है, तो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। मुगलों ने इसका नाम रखा सड़क ए आजम, यानी कि सहा रहा या सड़क ए आजम। सड़क ए आजम का मतलब होता है बहुत विशाल और बड़ा, और सड़क ए आजम का मतलब है कि विशाल सड़क, यानी बहुत बड़ी सड़क।
बहुत मुख्य सड़क। तो ये सड़क जो मार्ग है यानी जो पथ है ये बड़ा प्रसिद्ध रहा है और ये इसका सारा सिर अशोक को जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो आप इसको अशोक की सड़क भी बोल सकते हैं, अशोक का उत्तरा पथ भी बोल सकते हैं, अशोक का मार्ग भी बोल सकते हैं। ये अशोक के महाभारत की एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये जो सड़क है लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है और टोटल 2500 साल पहले ये आरंभ हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो 2400-2500 किलोमीटर लंबी जो ये सड़क है ये महाभारत को बताती है कि अशोक के महाभारत में जिस समय बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि ये बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और भारत से होती हुई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तब सारा एरिया पूरा महाभारत के अंदर था। अभी तो भारत छोटा सा रह गया और ये निकल गए। तो अशोक की जो ये सड़क है ये नारायणगंज यानी जो उसका पूर्वी छोर है चटगांव से होता हुआ नारायणगंज फिर हावड़ा जाता है, वर्धमान, पानागढ़, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, औरंगाबाद, डेहरी, आनसोल, सासाराम। सासाराम तो आप अच्छी तरह जानते हैं जहाँ सांस का राम रहते हैं यानी कि जहाँ सांस की क्रिया करते हैं, विपसना साधना करते हैं, उसको सासाराम कहते हैं। वहाँ अधिकतर लोग बुद्ध की विपसना साधना करते होंगे तो सेंटर रहा होगा सासाराम। और उसके बाद ये सासाराम से होती हुई फिर मोहानिया, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कल्याणपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, अटारी, बाघा, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी, अटक, नौशेरा, पेशावर, खैबर पास, खैबर दर्रा, जलालाबाद और फिर पश्चिमी छोर में ये काबुल तक चली जाती है। यानी इस तरह से ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को यानी कि महाभारत को पूरी तरह से जोड़ने वाली सम्राट अशोक की सबसे बड़ी सड़क जिसको आज जीटी रोड के नाम से आप जानते हैं ये उनकी उपलब्धि रही है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं क्योंकि अशोक का इतिहास अब खुदने लगा है और जैसे जैसे आप अशोक को खोदेंगे बुद्ध साथ में निकलेंगे क्योंकि अशोक का इतिहास का मतलब है बुद्ध का इतिहास, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का महाभारत जो ईरान से लेके बर्मा तक पूरा का पूरा सम्राट अशोक ने अपने समय में जीता और इसको बनाया, इसी को महाभारत कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये महाभारत की सड़क है, अशोक की सड़क है। महाभारत यानी ग्रेट सड़क बोल सकते हैं इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड की जगह इसको ग्रैंड महाभारत रोड या ग्रैंड अशोक रोड बोला जा सकता है। अशोक जयंती पर आप इस बात को सभी को बताइए कि ये महाभारत की कितनी जबरदस्त सड़क है जो सम्राट अशोक ने बनाई, इसको शेयर कीजिए, इसको जानकारी को फैलाइए और इस जानकारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।